इस रमजान आप अकेले नहीं हैं, हम होंगे आपके साथ। इसीलिए हम लेकर आए आपके लिए एक जबरदस्त सा रमजान शो, ओनली ऑन ग्रीन टीवी। देखिए रमजान स्पेशल शो लाइफ ग्रीन है, यकुम रमजान से रोजाना शाम 5 बजे। उसको खाना वगैरह दो लॉकअप में। जी जी। और जो भी तफ्तीशी फाइलें में। सर 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 मुझे आपसे बात करनी है सर। जी बोले। अरे हो तो गई तुमसे बात, तरीका कोई तमीज नहीं है क्या? सर कोई बात बात नहीं है सर, मेरी बीवी लापता है और ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे सर। बात नहीं सुन रहे? जी। क्या मसला है शरीफ? सर आप जाइए, मैं देख लूंगा इसे। सर मेरी बीवी लापता है तो बैर से उसकी कोई खबर नहीं है और ये लोग कह रहे हैं गुमशुदगी की रिपोर्ट 24 घंटे बाद दर्ज होती है। अब 24 घंटे इंतजार करूं फिर आओ? सर इसकी बीवी लापता हो गई है और इसके ससुराल वालों का कहना है कि वो लड़कर घर से निकली है और अपने वालिदैन की तरफ ही आ रही थी। सर इसका इसका गुमशुदगी से क्या ताल्लुक है और इसका इसका मुझसे क्या ताल्लुक है? देखिए सही कह रहा है, गुमशुदगी की रिपोर्ट 24 घंटे से पहले दर्ज नहीं हो सकती। इससे पुलिस को भी मदद मिलती है देखने में कि गुमशुदा शख्स जो है वो अपनी मर्जी से गया है या किडनैप हुआ है। बहरहाल शरीफ। जी सर। देखो इन भाई का क्या मामला है और मुझे सुबह रिपोर्ट करो। ओके सर, मेरी बात तो रुक जा। ओके सर। अबे ज्यादा तेजी मत दिखा, ऐसा ना हो कि उससे पहले मैं तेरी तफ्तीश शुरू कर दूं। ख्याल रख, समझ गया? चल अपना काम कर। मैंने गलत क्या कहा है सर? अरे गलत तू कह रहा है तू हैं? तू एक काम कर, कल सुबह आ जा, बल्कि हो सकता है तुझे सुबह आना ही नहीं पड़े, तेरी बीवी खुद चलकर आ जाए और बता दे वो कहाँ थी, खुद ही बता देगी सारा। अबे हमारा टाइम जाया नहीं कर, मुझे भी बहुत सारे काम है, चल। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। नहीं 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 तानिया, ये तुम गलत कर रही हो, तुम अपनी मर्जी से घर से निकली हो और अपनी मर्जी से ही आओगी, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, पता है तुम्हें? तुम्हें जो पसंद है नहीं पसंद मुझे ना बताओ, मैं फिलहाल अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ, तुम्हारी इस रोज रोज की चिक चिक से ना मैं तंग आ गई हूँ। ये रोज रोज की चिक चिक तुम्हारी वजह से? ठीक है तो फिर मैं खुद ही ये चिक चिक खत्म कर देती हूँ। कुछ मदद करो ना। पागल तो नहीं हो गए हो, दूर हट के खड़े हो। किससे बात कर रही थी? अपने शौहर से? मैं जिससे भी बात कर रही हूँ तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? और तुम होते कौन हो, कहाँ ना दूर हट के खड़े हो? हाँ? देखो तुम्हें तुम्हें जो चाहिए ले लो, ये पिस्टल हटा दो प्लीज, ले लो। आते ही प्यार से कहा था तुम्हारी मदद चाहिए, समझ नहीं आया? अब तो मुझे जो चाहिए मैं ले ही लूंगी। मेरे आवाज नहीं, वरना यहाँ तुम मरोगी और उधर तुम्हारा शौहर। तुम चाहते क्या हो? जो कहती हूँ वो करो, चुप चाप मेरे साथ चलो। मैं नहीं जा रही, मेरी बहुत अरे कौन है तुम? लड़की खाना खा ले। मुझे नहीं खाना खाना, कौन है तुम लोग और मुझे यहाँ क्यों बंद करके रखा हुआ है? ये खेल उसने नहीं शुरू किया,
जो तुझे यहां लाई है ना मैंने किया और ना तूने किया, बल्कि उसने जो तेरा बहुत ही अपना है। मेरा अपना कौन? मैंने तुझे जितना बताना था बता चुकी, इससे ज्यादा बताने की मुझे इजाजत नहीं है। अगर मैंने तुझे सारा सभी कुछ और बताया ना, तो वो जो तुझे यहाँ पे लेके आई है वो मुझे भी तकलीफ देगी, इसलिए बेहतरी इसी में है मेरी और तेरी भी कि मैं अपना मुंह बंद रखूं और तू वही करे जो वो कहे। जानती नहीं है कितनी पागल है। कुछ खा लेगी ना तो सोचने की भी काबिल हो जाएगी। मेरी बात सुनो, मुझे जाने दो। अगर तुम्हारी जिंदगी ऐसी ही है, इतना गुस्सा है तुम्हारे अंदर, तो तुम मेरे घर वालों को बता देते, मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत। इतनी ऊंची आवाज में बात नहीं करो मेरे साथ। क्यों ना करूं ऊंची आवाज में बात, तो मेरे मालिक हो, मैं तुम्हारी मुलाजिम हूँ क्या? मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? किस चीज की कमी छोड़ी तुम्हारे लिए? वक्त की मोहब्बत की कमी है। तुम घर आते हो, खाना खाते हो, सो जाते हो, मेरे साथ बैठते भी नहीं हो, जब घर में कैद करके रखो और पूछते मैंने किया क्या है? मेरे मिजाज में नहीं है वो सब कुछ जो तुम उसे एक्सपेक्ट कर रही हो। मैं टीनेजर्स की तरह रोमांस नहीं कर सकता तुम्हारे साथ। आई एम अ प्रैक्टिकल मैन। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं ऐसे ही था, ऐसे ही और ऐसा ही रहूंगा। ऐसे थे, ऐसे हो, ऐसे ही रहोगे, लेकिन मैं ऐसे जिंदगी नहीं गुजार सकती हूँ। ये तुम्हारा अपना फैसला है और तुमसे इसी किस्म के बचपन की उम्मीद कर सकता हूँ मैं? गुरु, गुरु, ये क्या किया तूने? क्या मार दिया इसे? बोल, बोलते क्यों नहीं? क्यों मारा इसे? जिंदा है ये? अभी इसे नहीं मारूंगी, इसे तो मैं जिंदा रखूंगी ताकि इसे पता चले कि दूसरों में भी जिंदगी होती है। देख शमशा, तू गलत कर रही है। मैं कहती हूँ उसे थूक दे। इधर ये खून में लथपथ पड़ा और उधर इसकी बीवी भूखी प्यासी रोए जा रही है। मेरी माँ, इसे माफ कर दे, माफ कर दे इसे। मैंने शुरू किया था। नहीं ना, इसने शुरू किया था। खेल तो पूरा ही होता है गुरु, और पूरा ही होगा।
जैसे मैंने सोचा है। इसे लेके जाए अंदर और बांध दे। और सुन, कुछ खाने के लिए तो लेकर आ। ना मेरी बेटी, ना मेरी बात सुन, देख मेरी बस जो कहा है वही कर। मेरी तकलीफ भूल गई तू? मेरी बन, मेरी रह, पराई ना हो जा। एक मिनट सोच ले मेरी बात। और सुन, उसे इसका दीदार जरूर करवा देना। लोग कौन हो? पता क्यों नहीं देते मुझे? यहाँ पे क्यों बंद करके रखा हुआ? चल उठ, खड़ी हो जा। मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे नहीं जाना किसी के पास। देख अपनी जान को परेशानी में मत डाल, वो गुस्से में पागल हो चुकी है। नहीं ऐसा ना हो कोई बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, इसलिए मैं कहती हूँ उठ जा। देखो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, क्यों अज़ियत दे रहे हो मुझे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम लोगों का? बहस मत कर चंदा, बहस मत कर। मिलवाना है तुझे किसी से। किससे? तेरे अपने से। कौन? वक्त जाया करेगी तो मुश्किल पड़ जाएगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ मैं तुझे कुछ नहीं होने दूँ। घबरा मत, परेशान ना हो, मैं भी तेरी माँ जैसी हूँ। हाँ मेरा चंदा। मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? अच्छा मेरी बेटी, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। अच्छा कौन है तुम लोग? क्या चाहते हो? मुझे क्यों उठा कर लेकर आए हो? क्यों मुझे अज़ियत दे रहे हो मुझे बता दो। मिल जाएंगे तुझे तेरे सारे सवालात के जवाब, तू फिक्र न कर चंदा। खुदा का वास्ता मुझे छोड़ दे। छोड़ देंगे, अभी तू मेरे साथ चल। कहाँ लेके जा रहे हो? तुम लोग बताते नहीं हो कि अंदर नादिर, होश करो नादिर, इसको इतना क्यों मारा है? नादिर इसको भाग के क्यों रखे? नादिर होश करो, होश में आ नादिर। तू तो कह रही थी छोड़ दिया तूने इसे, मैंने खुद सुना है। ये मेरा और मेरे शौहर के बीच का मामला है, तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन इससे मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है। जलील आदमी है ये, तू नहीं समझेगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़, प्लीज हमें छोड़ दो, तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है? गुरु इसे जिस कमरे से लाया वहीं छोड़ दे,
इसे इसका शोर दिखा दिया, मिलवा दिया, बस इतना काफी है। अगर ज्यादा शोर शराबा करे ना, इसके शोर को मार देना अभी। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सर पे रही है वो, सुना नहीं उसने क्या कहा? शोर शराबा उसे पसंद नहीं है। गुरु कुछ नहीं, बस ऐसे आजा मेरे। चंदा कुछ नहीं, चंदा कुछ नहीं होगा। नादे, नादे। शोर शराबा नहीं चाहिए उसे। सर, जी सर, सर मैं देख लेता हूँ। नहीं सर, सर आप फिक्र ना करें, मैं देख लेता हूँ सर। ओके सर, चाय। शरीफ, वो कल रात जो बंदा आया था, अपनी बीवी के गुम होने की बात कर रहा था, क्या हुआ उसका? सर घर का ही कोई झगड़ा लगता है, वो तो फिर आया ही नहीं, और आपको तो पता है कि मैं सारा दिन थाने में ही था। शरीफ, ये जो तुम्हारा रवैया है ना, इसकी वजह से सब कुछ मुझे सुनना पड़ता है। तुम जानते हो ना कि लोग मामूली सी बात पे मीडिया के पास पहुंच जाते हैं, फिर कहते हैं पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही। बातों से काम नहीं चलेगा, आई नीड रिजल्ट्स। जो गुम हुआ है हमें उसे ढूंढना ही होगा, समझ गए? ओके सर। ये मैं नहीं पहनूंगी। मैं क्यों पहनूंगी ये? तुम लोग क्यों कर रहे हो ऐसा? क्यों? देख, तेरे पास 10 मिनट है, ये पहन के तैयार हो जा, वरना तेरे शर्त को अजियत देगी, और ऐसी अजियत के तू देख भी नहीं पाएगी। पहन ले, डरो नहीं बेटा, चंदा अपनी और अपनी शोर की जान बचा, वो जो कहती है मान ले। चल, क्यों क्यों पूछती रहेगी और 10 मिनट गुजर जाएंगे। तेरा शोहर कफर पहने, इससे तो अच्छा ना ये पहन ले। आगे तेरी मर्जी, बाद में ना कहना गुरु ने कहा नहीं था, पहन ले। तुझ बिन नैन तरस, बिन तरस गए। मैंने कहा था ना मान जाएंगी, देख आ गई। हाय हाय, मैं मर गई। आजा,
बैठ बैठ। ना ना मेरी जान, मुझसे डर मत, बैठ, तुझे तैयार करती हूँ। तुम लोग क्यों कर रहे हो मेरे साथ, ऐसा मत करो। ले गुरु, ये भी कहती है ऐसा मत करो, फिर पूछती भी है मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। ले बता, जब तक खेल खत्म नहीं होगा इसे कैसे पता चलेगा कि शुरू कैसे हुआ था। रोना बंद कर दे मेरी जान, तेरे रोने से जो कुछ हो रहा है ये रुकेगा नहीं, इसलिए जो मैं कहती हूँ वैसे ही करती रहे। फिर खेल खत्म, तू अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। लेकिन बस एक सवाल और नहीं, अब अगर तेरे रोने और बातों ने एक मिनट भी जाया किया ना तो मैं नहीं, नहीं, वो समझ गई, अब वो कुछ नहीं बोलेगी। तू गुस्सा मत कर, है ना चंदा। चल आ, मैं तुझे तैयार कर दूँ, तू अपने आँख को देखती रह जाएगी, देखना। लगाओ लिपस्टिक, लगाओ। अरे गुरु, गाने लगा। हाँ। कोई माहौल बना, क्या मैयत वाला माहौल बनाया हुआ तूने। सच रही गोरी तेरी बीवी सुनरी गोटे में, सच रही गोरी तेरी बीवी सुनरी गोटे, सच रही गोरी तेरी बीवी। पहचाना? नहीं। खैर है, पहचान जाओगे। बजा गुरु। सच रही गोरी तेरी बीवी सुनहरी गोटे, सच रही गोरी तेरी बीवी सुनहरी गोटे, सच रही गोरी तेरी बीवी सुनहरी गोटे। क्या चाहता है, निकाल दूंगी। लेकिन फिर तू चीखेगा चिल्लाएगा, तेरे दिल की बड़ास कम हो जाएगी। और जब तक ये खेल चल रहा है मैं चाहती हूं तू भी घुट के मरे, जैसे मैं घुट घुट के मरी थी। ये तुम लोग क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो तुम लोग, क्यों अगवा किया हम लोगों को, बता दो क्या बिगाड़ा है हम लोगों ने दिमाग। सारे सवालों के जवाब ये खुद देगा तुझे, मैं तो सिर्फ खेलूंगी, जी भर के खेलूंगी। अगर आंसुओं से ये मेकअप खराब हुआ तो उसके चेहरे पे भी
ऐसी ही लाइनें हैं। क्या सिखाया था करके दिखाओ। जो मैंने सिखाया था तुझे याद है कि नहीं? आवाज नहीं आई। आवाज नहीं आ रही। चल करके दिखा फिर। दुआ दूंगी साहब। दुआ दूंगी। दुआ भी दूंगी। दानी, 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 चल चले। वक्त हो गया। वक्त हो नहीं गया, वक्त आ गया है गुरु। तुझे याद है ना पहली बार जब मैं तुझसे मिली थी? किस जगह मिली थी वो जगह याद है? उसी जगह लेके जा रही हूं तेरी बीवी को। बस देखते हैं आज उसको कोई तेरी तरह का मिलता है या नहीं। हाँ बजा रहे गुरु। सच गई गोरी तेरी बीवी। सर वो लड़की जो गायब थी उसके माँ बाप थाने में आए बैठे, और उसका शौहर जो रात पर्चा कटाने आया था वो खुद गायब है। सर मुझे तो लगता है कि उसने अपनी बीवी को खुद गायब किया या फिर मार दिया। शरीफ मैं ये सब बातें सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। एक औरत गुमशुदा है, उससे भी ज्यादा जरूरी काम है मेरे पास। CM का प्रोटोकॉल मूवमेंट है, जलसा अलग लगा हुआ है, और तुम ये सब बातें करो मेरे साथ। जो भी गुमशुदा है उसे ढूंढ कर निकालना होगा। अगर ये बात मीडिया तक पहुंची कि पुलिस लापरवाह होकर बैठ गई है तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, समझ जाओ शरीफ। ओके सर। बताओ तो मुसीबत, ना बताओ तो मुसीबत। जल्दी में घर से निकलते हुए मैं चूल्हे की गैस बंद करना ही भूल गई, इसलिए काम खत्म करके जल्दी घर पहुंचना है। तेरा शौहर घर में अकेला है, किसी ने माचिस वाचिस फेंक दी तो समझ गई ना प्यारी। सर वंडर बुड्ढा बुढ़िया है, बहुत शोर मचा रहे हैं यकीन करें। अबे तो बहला फुसला कर चुप कराओ उन्हें। देख काम तो कर रहे हैं ना, ऊपर से तूने मेरा मगज खराब किया हुआ है। कल वो खुद अपनी बीवी को अगवा करने का ड्रामा रचा के और साहब के सामने रोने धोने बैठ गया, और जब से साहब हम पर ही शोर कर रहे हैं और उधर से वो बुड्ढा बुढ़िया शोर कर रहे हैं, और तुम लोग अलग मेरे पर शोर करने आ जाते हो। अल्लाह की कसम ये गलती हो गई मुझसे कि एक आम इंसान को कानून पढ़ा दिया मैंने कि गुमशुदगी की रिपोर्ट 24 घंटे के बाद दर्ज होती है। बस वही बात मेरे गले में पड़ गई। हेलो, हाँ भाई पता चला कुछ? अच्छा, हो वेरी गुड। लोकेशन क्या है उसकी?
अच्छा ठीक है, तुम ऐसा करो नफरी तैयार करो, मैं साहब को बताता हूँ, जल्दी। ओके सर। जा प्यारी, जो सिखाया था वो कर, जा। मुझसे नहीं हो पाएगा, देखो सब मुझे कैसे देख रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगी, खुदा को ऑफ कर। अगर चूल्हा फट गया ना तो मैं जिम्मेदार नहीं, और अगर गैस कमरे में भर जाने से मर गया तो भी मैं जिम्मेदार नहीं। जल्दी कर, जा। और चला अपनी मर्जी, दे उसको काम जाके, सारा का सारा कंसाइनमेंट गया, हो गया, दिल खुश हो गया तेरा। कुछ मदद करो ना साहब, दुआ दूंगी। चल बे निकल यहां से। हाय साहब, सुनो ना। अबे क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रही तेरे क्या, हाथ क्यों लगा रहे? हाँ हाय, ऐसा भी क्या गुरूर, मदद ही मांगी है ना, जान तो नहीं मांग ली। पागल हो गए, क्या कर रही है, गलील इंसान आए थे परेशान करने के लिए, देख यार इसको। होगा तू परेशान, यूं हमें गलीज तो ना बोल, हमारा भी दिल है। अबे जा यहां से बेहुदा, भीख मांग रही है ना तो फुटपाथ पे जाके बैठ। अरे क्या तमाशा क्या लगा के रखा हुआ है तुम लोगों ने, हाँ ये सुर्खी बॉर्डर पोत के आ जाते हो साले। जा, उठ जा मेरे बच्चे। हाय, अरे सुर्खी पाउडर ही तो लगाते हैं, कोई चोरी चकारी तो नहीं करते, डर हमारी बद्दुआ से। अबे जा जा, तू और तेरी बद्दुआ, फ्रॉड साले सबके सब, हिंजड़े कहीं के। मुबारक हो शमशाद, मुबारक हो शमशाद तुझे, आज तू मर्द बन गया। एक मर्द से इंतकाम लेने के लिए उसकी औरत का तमाशा बनाकर, अरे ऐसे होते हैं ना मर्द, एक दूसरे को कुछ नहीं कहते मगर एक दूसरे की औरतों को इंतकाम का निशाना बनाते हैं। जूल बातें मत कर गुरु, जो ये आज देख रही है वो हम रोज देखते हैं। मेरा बदला सिर्फ एक मर्द से नहीं, बरसों सहा है ये सब, आज इनको पता चलेगा कि सुर्खी पाउडर पोत के हाथ फैलाना आसान काम नहीं है। हाँ ये सिखाया था मैंने तुझे, उसने कहा था तेरा बदन गलीज है। नहीं शमशाद, गलत कहा था उसने, तेरा बदन, तेरा ये वजूद गलीज नहीं, पलीत है, और तेरी सोच गलीज है। बकवास बंद कर गुरु,
अरे अरे सलीम भाई, मुबारक दो मुझे, मुबारक दो मुझे। अरे मेरा शमशान मर्द बन गया। हाँ अकरम भाई, क्या कर रहे हो उधर? इधर तो आओ, बात करो हमसे। मेरा शमशान मर्द बन गया। चुप कर गुलो। लोकेशन तो यही है, मगर नजर तो यहां कोई भी नहीं आ रहा। अच्छी तरह चेक करो, शायद गैस लीक है, कोई फायर नहीं करेगा। ओके सर, आगे बढ़ो। नदीम, आता उठा बेटा। क्या हो रहा है ये सब? कहाँ है तुम्हारी बीवी? सर सर, वो मेरी बीवी का तमाशा बना देगा। मेरे पास मेरे साथ चले। ले आओ इसे। ये ऐसे नहीं मानेगी गुरु। मैं कहती हूँ मान, बाज आ जा शमशा। मैं कह रही हूँ बाज आ जा, बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। फजूल बातें मत कर गुरु, ये आज यहाँ भीख मांगेगी। मैं इसकी वीडियो बनाऊंगी ताकि इसका शौहर हमेशा देखे अपनी सुर्खी पाउडर पोतने वाली बीवी को। फिर मैं देखती हूँ कि वो इसको भी गलीज कहता है कि नहीं। तू है गलीज, तू ना, तू मर्दों में ना, तू औरतों में शैतान है, तू शैतान मर्दूत कहेगा। तेरे जैसे लोगों की वजह से हमारी बरादरी की कोई इज्जत नहीं, हमारी जिल्लत पे रोटियां खाते हो तुम लोग। अरे तेरे जैसे काम से क्या लेने देना, अब तो नाचते हैं गाते हैं, और तू यहाँ पे इज्जतों का सर्कस लगाए बैठी है। मेरी बेवकूफी थी जो तुझे रखा अपने साथ। अरे तू क्या मुझे अपने साथ रखेगी, मुझे तो तुझसे घिन आ रही है। घिन, बदबू, गलीज, पलीज। अबे पीछे तो देख, जरा खानदान लड़ रहा है, जाके उन्हें बचा। ओए कैसा लड़ रहे हैं, सीन ऑन है। ओए अगर चूल्हा फट गया ना तो मैं जिम्मेदार, और अगर गैस कमरे में भर जाने से मर गया तो भी मैं जिम्मेदार नहीं। जल्दी में घर से निकलते हुए मैं चूल्हे की गैस बंद करना ही भूल गई, इसलिए काम खत्म करके जल्दी घर पहुंचना है। तेरा शौहर घर में अकेला है, किसी ने माचिस वाचिस फेंक दी तो।
मुझे माफ कर दो तानिया, ये सब कुछ मेरे गुस्से की वजह से। मुझे माफ कर दो। आप लोगों को हमारे साथ थाने चलना होगा गवाही देने के लिए। होना तुझे है, डूबेगी लेक तुझको, तेरी जो ये अना है, अंधेरी राहों में। कौन मुजरिम का पहले पहल, किसने किससे खफत की, इतना जानती हूँ बस, इंसानों ने मिलकर इंसानियत की हद तक की। क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।